हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्लास को शेयर जरूर कर दें। आज हम जो है वो उसी के आगे के सेशन को जारी रखेंगे। पिछले सेशन में साइंस में मैंने क्या पढ़ाया था, साइंस में मैंने लाइट का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने लाइट के कुछ फिनोमेना के बारे में बात की थी, जैसे कि रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, रिफ्रेक्शन के बारे में बात की थी, स्कैटरिंग के बारे में बात की थी, मतलब जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना थे सभी के बारे में बात कर ली थी। तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर से। तो हम आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, पहली चीज। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे, हम TIR पढ़ेंगे। अब TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन, तो TIR भी हम इसी में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और हम क्या पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि भाई जो है जो लेंस होता है उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आई से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद स्टार्ट होगा MCQ का सेशन, जिसमें जितने भी MCQ अभी तक पूछे गए हैं पिछले सालों में, सारे MCQ हम डिस्कस कर डालेंगे। तो फटाफट पहले तो सेशन को शेयर कर दें, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, काफी कम लोग जो अभी लाइव आए हुए हैं, सभी लोग लाइव आ जाएं एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए है क्या, सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या मिलेगा आपको नॉलेज 365 चैनल पे, तो आपको करंट अफेयर मिलता है, स्टैटिक मिलता है, मॉडर्निस्टिक कल्चर मिलता है, साइंस मिलता है, मतलब सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको इस चैनल पे मिल जाती है, खासकर GS को लेके। तो अगर GS आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको बहुत पसंद है, तो GS का जो है ये चैनल है पूरा पूरा डेडिकेटेड। नेक्स्ट वन इज कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मिलेगी, करंट अफेयर मिलता है, SSC, डिफेंस, मैथ्स और रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, बीटेक किया मैंने HBDI कानपुर से केमिकल में, SSC CGL CHS 2017-18 का Tier 3 दिया है, UP SSSC लोअर और IB का इंटरव्यू दिया। बाकी आप मेरे को देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, 6 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। क्या क्या मिलेगा आपको हमारे कोर्स में, लाइव डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्विजेस मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स है और अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई कोर्स लेते हैं, अगर कोई प्लस का कोर्स लेते हैं, तो अगर आपने मेरा कोर्स लिया है तो इसके साथ साथ में आपको सारे टीचर दिखाई देंगे जो भी प्लस पर है। अभी प्लस पे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आपको पता होना चाहिए ये चीज। ओके स्टार्ट करते हैं। ये अगर अभी तक आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया तो भैया ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि बिना ऐप के आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ओके सब्सक्रिप्शन लेने के जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद आपको यहां पर दिखाई देगा गेट सब्सक्रिप्शन, ये हरा कलर का है, जब दबाएंगे आप तो इस तरीके से खुल जाएगा। अब अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 6 महीने और 12 महीने का सबसे बढ़िया कोर्स होता है, क्योंकि इसमें एक तो कॉस्ट भी कम हो जाती है, काफी कम कॉस्ट हो जाती है। और देखो यार, 500 रुपए एक महीने का पढ़ाई के लिए मुझे ज्यादा नहीं लगता। जब मैं बचपन में छोटा था तो नवोदय विद्यालय की कोचिंग हुआ करती थी, तो नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए हम जब जाते थे तब भी मेरी फीस जो थी 500 थी। ये कब की बात है, ये लगभग 2000 की बात है, 2000 की बात है, क्योंकि 2001 की बात है, क्योंकि 2002 में मेरा नवोदय विद्यालय में हुआ था। मैंने नवोदय विद्यालय उड़ी जालौन से किया है, अपना जो है वो स्कूलिंग वहां से की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप जो आप इसके बाद आगे आएंगे, तो यहाँ पर ये पेज खुलेगा जहां पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डाल सकते हैं। ये जो रेफरल कोड है योगेंद्र, इससे आपको 10% का और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लगभग ये मान लीजिए कि आपकी फीस जो है वो काफी कम हो जाती है। बफर तो नहीं कर रहा बच्चों, कमेंट में मुझे बताओ। ओके काफी सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, प्राची है, चंद्र कुमारी है, रूपाली है, प्रत्यूष है, दिव्या है, हेलो सभी लोग कैसे हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्फेरिकल मिरर। अब जरा मुझे एक चीज बताइए कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। कौन सा होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे दूर का नहीं दिखाई देता है, ठीक है, अगर मुझे दूर का नहीं दिखाई देता है, तो मेरा जो चश्मा मैं लगाऊंगा वो कौन से लेंस का लगाऊंगा, पहले तो लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो लेंस पूछ लिया, अब मैं मिरर की बात कर लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो गाड़ियां होती हैं जिन्हें हम साइड मिरर कहते हैं, ठीक है, किसकी बात हो रही है, साइड मिरर। तो क्वेश्चन ये है कि साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव यूज किया जाता है या फिर कॉन्वेक्स यूज किया जाता है, क्वेश्चन यहां पर ये भी पूछा जाता है। ओके अब देखो कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, तो ये एक मिरर है अंदर की, अगर हम इसमें पॉलिश कर दें तो ये उभरा हुआ जो पार्ट है इसके कारण ये जो मिरर हो जाता है इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं,
और अगर ये बाहर की तरफ पॉलिश है तो जो अंदर का धसा हुआ पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, तो इसे हम कॉनकेव कहते हैं। अब इसके एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, 1/f = 1/v + 1/v। अभी f क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज जो है, जो वस्तु है उसकी दूरी, इमेज जो है उसकी दूरी है, तो इसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसमें इमेज डिस्टेंस। u जो है ये क्या है, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद रहेगा आपको। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम कहें प्रिंस कुमार भारती, नाइस डे सर, प्रिंस हेलो कैसे हैं, कॉनकेव मिरर, रूपाली कह रही है कि भाई ये कॉनकेव मिरर होगा, तो जो साइड मिरर होता है वो एक्चुअली में सही उन्होंने बोला है, कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, नहीं कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो जो साइड मिरर होता है वो एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसे याद करने का तरीका समझना, याद करने का तरीका ये है कि जो चम्मच होती है, अगर चम्मच के इधर आपका मुंह है ना, ये आपका मुंह, ये आपके नाक कान है, तो जब चम्मच में अपने आपको देखोगे तो आपको ये उल्टा दिखाई देगा, कोई जिस तरीके से आपको दिखाई देगा, तो ये चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट है ये कौन सा मिरर है, तो आप कहोगे ये कॉनकेव मिरर है। और वहीं पे अगर चम्मच के इस तरफ से आप देखोगे तो आपको सीधी और बड़ी शक्ल दिखाई देगी, मतलब वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव के बारे में एक जनरल चीज मैं आपको बताता हूँ कि कॉनकेव के बारे में ये चीज समझ याद रखना कि कॉनकेव से जो मिरर, जो इमेज बनती है, कॉनकेव से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, और इन्वर्टेड के साथ साथ में रियल भी होती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी हमेशा, और कैसी होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, याद रहेगा, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे एक एसएससी में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वस्तु कहाँ रखी हो तो कहाँ पर इमेज बनेगी। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि जैसे जैसे वस्तु पास में आती जाएगी वैसे वैसे उसकी इमेज दूर होती जाएगी, ऐसे याद रखिए। और ये दोनों मिल जाते हैं सेंटर पे, जिसे हम 2F कहते हैं। तो 2F पर मतलब सेंटर पर अगर वस्तु जो है, ठीक है, अगर वस्तु जो है वो C पे रखी है तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कहां पे बनेगा, वो भी C पे बनेगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर वस्तु, ठीक है, अगर वस्तु जो है वो फोकस पे आ जाए तो प्रतिबिंब जो है वो इन्फिनिटी पे बन जाएगा। ये दो चीजें आपको और याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है कि अगर हमारी वस्तु सेंटर पे रखी है, सेंटर मतलब 2C, तो इमेज प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2C बनेगा। और वस्तु अगर फोकस पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, इतना आपको याद रखना है। और अगर फोकस के बाद अगर वस्तु रखी हो तो ये जो इमेज बनेगी ये आभासी होगी, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं, ये साइड मिरर है, तो ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/f = 1/v + 1/u। ये वैसे तो रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद तो रखना ही है, चाहे रेलवे हो चाहे कुछ भी हो। दूसरी आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि अगर वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी बनेगा। और अगर वस्तु सेंटर पे रखी है तो प्रतिबिंब भी कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब भी सेंटर पे ही बनेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं यहां से। अब आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि दांतों के जो डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ENT डॉक्टर, वो किस मिरर का उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। तो ये मिरर कौन सा है, ये कॉनकेव है। इसी तरह ये सोलर लैंप है, ये कौन सा मिरर है, ये भी कॉनकेव है। इसी तरीके से ये गाड़ियों की हेडलाइट है, तो हेडलाइट जो है वो भी कौन सा मिरर है, कॉनकेव है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं नाक कान गले के वो भी कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं, इसके साथ साथ में जो सोलर लाइट्स होती है वो भी कॉनकेव मिरर का उपयोग करती हैं। हाँ, प्रत्यूष सही लिख रहे हैं, प्रत्यूष लिख रहे हैं कि सर सेंटर पे क्या सेम साइज होगा, बिल्कुल, अगर सेंटर पे वस्तु रखी है तो उसका साइज जो है वो सेम होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, अभी मैं बता चुका हूं आपको कि कॉनकेव मिरर का उपयोग सबसे पहले टॉर्च लाइट, सर्च लाइट और लाइट की व्हीकल में करते हैं, इसके साथ साथ में सेविंग मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, और ENT डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं, साथ साथ में सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बाकी जो चीज है वो MCQ में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है तीन जगह पे। आप देखो, सबसे पहले तो साइड मिरर है जो गाड़ी का, उसमें कहाँ पे होता है, कॉन्वेक्स होता है। अभी मैंने बताया आपको कि जब पीछे की तरफ हम देखते हैं, मतलब गाड़ी के बगल में जब हम देखते हैं तो जो पीछे की वस्तु दिखाई देती है वो एक्चुअली में साइड मिरर है व्हीकल का।
इसी तरीके से जहां पे ब्लाइंड टर्न होते हैं, ये देखो आप ब्लाइंड टर्न लिखा हुआ है, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए ये सड़क है और ये सड़क इस तरीके से घूम जा रही है, तो ये गाड़ी यहां से आ रही है, एक गाड़ी यहां से आ रही है, तो अगर यहां पे मैं मिरर लगा दूं तो इस वाली गाड़ी को इस मिरर में ये वाली वस्तु दिखाई देगी और इस वाली गाड़ी को इस मिरर में ये वाली गाड़ी दिखाई देगी, तो ये दोनों ही देख लेंगे और पता कर लेंगे कि कहां पे जो है वो गाड़ी आ रही है। इस तरीके के जो मिरर हैं आपको शिमला में जाओगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, शिमला के साथ साथ में अगर पुणे में, दक्षिण की जितनी भी सिटी है सभी में इस तरीके के मिरर लगे होते हैं। यूपी में नहीं है क्योंकि यूपी में लोग थूक के उसको मिरर को जो है वो पता नहीं क्या बना देंगे। इसी तरीके से साइड मिरर भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा है। क्वेश्चन है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, निशाना कहाँ पे लगाना है उसको आपको ये बताना है। तो जहां मछली दिखाई दे रही है उसके ऊपर लगाना है, पहला ऑप्शन कह रहा है, सीधे मछली पर निशाना लगाना है, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे निशाना लगाना है, या फिर पानी की ऊपरी सतह पर निशाना लगाना है, बताओ क्या आंसर बनेगा। यस, आंसर आने लगा है। सबसे पहले प्रत्यूष ने आंसर दिया है, प्रत्यूष कह रहे इसका आंसर सी होगा, रूपाली कह रही इसका आंसर सी होगा, वेरी द फिश इज बिलो इट, वेरी गुड, सही है। तो होता क्या है कि देखो कभी कभी आपने देखा होगा ये ग्लास है, इस ग्लास में अगर आप सिक्का डाल दो यहाँ पे, तो अगर आप ऊपर से देखो, यहां से देखो, तो आपको क्या होगा, आपको ये जो सिक्का है, ये जो सिक्का है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। अब ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्यों दिखाई दे रहा है, इसके लिए एक फेनोमेना यूज होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, या फिर प्रकाश का अपवर्तन। और इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमेशा वस्तु हमें एक्चुअल डेप्थ से ऊपर दिखाई देती है, मतलब हमें निशाना कहां लगाना है, हमें निशाना लगाना है नीचे पर। राइट आंसर कौन सा होगा, सी आंसर सही होगा, गुड, सही है, सभी का आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिफ्रेक्शन होता क्या है, तो आप एक रिफ्रेक्शन का फेनोमेना यहां पे देख सकते हैं कि जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो हमेशा मुड़ जाती है। कैसे मुड़ती है, अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती है, ठीक है। और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो लाइट हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। अब देखो लाइट यहाँ पे एयर है और यहाँ पे है ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, तो जब भी लाइट एयर से ग्लास की तरफ जाएगी कहां मुड़ रही है, नॉर्मल की तरफ, ये जो है वो नॉर्मल है। और जब वो रेयरर से फिर वापस डेंसर से वापस रेयरर में जा रही है तो अवे हो जा रही है, दूर हो जा रही है, मतलब ये इधर हो रहा है और ये आप देखोगे तो ये जो लाइट है वो इधर हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना ही फेनोमेना आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो अगर ग्लास में अगर आप पेंसिल डाल दोगे तो ये मुड़ी हुई दिखाई देगी, तो अगर पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है तो उसका कारण क्या है, रिफ्रेक्शन, हिंदी में क्या कहेंगे, अपवर्तन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसी तरीके से कि अगर हम देखें कि जो भाला मारने वाला जो एग्जाम्पल दिया वो यही वाला है कि आपको अगर भाला मारना है फिर से तो उसको एक्चुअल डेप्थ से नीचे मारना पड़ेगा। सुनार में अगर हम देखें कि कोई भी चीज स्विमिंग पूल में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल डेप्थ से ऊपर दिखाई देगी, ये भी सी का एग्जाम्पल है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो तारे टमटमाते हैं, जो तारे जो है वो टिमटिमाते हैं, उनका भी रीजन क्या है, स्टार ट्विंकल करते हैं। अब ये स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के बाहर बहुत सारे जो है वो लेयर्स हैं और जब भी लाइट इनसे पास करती है तो वो इधर से इधर टकराएगी, क्योंकि अलग अलग मीडियम होता जा रहा है तो लगातार वो अपने पाथ को बदलती जाती है। और जब यहाँ पे खड़ा हुआ इंसान इसको देखता है तो उसे अलग अलग जगह पर स्टार दिखाई देता है, इसलिए उसे लगता है कि जो स्टार वो ट्विंकल कर रहा है। लेकिन अगर आप चंद्रमा पे जाके उसी स्टार को देखोगे तो वो एकदम रेड सर्कल में आपको वो चीज दिखाई देगी, बिल्कुल भी ट्विंकल नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन से प्रकाश यह अपवर्तन का परिणाम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन, आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें नहीं है। और भी एग्जाम्पल है जो इसी तरीके से रिफ्रेक्शन पर ही है। स्वाति कश्यप, गुड इवनिंग स्वाति, बेटा काफी दिनों के बाद अब हमारे चैनल पे लाइव दिखाई दिए हो, वैसे तो मैं खुद ही बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहा हूँ, लेकिन जब पुराने बच्चे दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है, आई होप कि आप क्लास कंटिन्यू करोगे, ठीक है, ओके। चलिए प्रॉपरली दिख रहा है ना,
या मैं हटा दूं, आप कहिए तो मैं हटा देता हूं अपनी पिक्चर को। प्रत्युष क्या है? सी आंसर होगा। देखो मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले सूर्यास्त के समय जो है वो सन अपीयर्स रेड, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग के कारण। तो हमारा राइट आंसर तो यही हो गया। अब बाकी के बारे में मुझे नहीं पता कि आंसर सही है या गलत है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाता है, तो पहला आंसर सही है, ये आंसर सही हो गया। अब देखो बाकी की अगर हम बात करें तो बाकी सिमरिंग ऑफ द स्टार या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कह सकते हो कि जो तारे टिमटिमाते हैं वो भी इसी कारण है। इसी तरीके से सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देना, ये भी होता है कि जब आप सुबह देखोगे, जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हो और अगर सूर्य आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब वो यहाँ पे नहीं है, एक्चुअल में अभी सूर्य यहाँ पे है, लेकिन रिफ्रेक्शन के कारण वो आपको अपने एक्चुअल जो पोजीशन उससे ऊपर दिखाई देता है, ये भी इसी कारण होता है। सूर्य का वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना डेफिनेटली है कि सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है और अभी पहले ही दिखने लगा, तो वो भी इसी कारण होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो है वो थोड़ा सूर्य दिख रहा है लेकिन उतनी रोशनी नहीं हो रही है, वो किसके कारण है? इसी कारण होता है कि जब सूर्य नीचे चला जाता है या फिर शाम को अगर देखोगे तो सूर्य लाल दिखाई दे रहा है लेकिन ज्यादा रोशनी नहीं होती है, वो भी इसी कारण होता है। क्वेश्चन देख लीजिए, संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी मैंने जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूं ये मैंने ACT का ब्रॉडबैंड लगवा रखा है और ये क्या है? ऑप्टिकल नेटवर्क है, ठीक है? ये क्या है? ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड है। अभी ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड क्या करता है? लाइट पे वर्क करता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिनोमेना उसको जस्टिफाई करेगा। हाँ, सन अपीयर्स हायर देन द एक्चुअल, ओके ठीक है स्वाति, कोई बात नहीं, जितना ही पढ़ते हैं आप अच्छा पढ़ते हैं, गुड। चलो बताओ आंसर क्या बनेगा इसका फटाफट। बताइए फटाफट आंसर करिए, क्या इसका आंसर बनेगा? देखिए मैं बता देता हूं, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो ये है प्रकाश का पहले तो है नहीं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका हो नहीं सकता। होता है क्या है कि ये केबल एक बनती है इस तरीके से और इसमें ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा सॉलिड होता है, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा सॉलिड होता है और ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा कम डेंसर होता है, लेस डेंसर होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर ये लेस डेंसर पार्ट है तो लेस डेंसर पार्ट में क्या होता है कि एक फेनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं TIR। तो पहले इसका आंसर बनेगा पहला वाला, डी आंसर सही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आगे आप देखोगे इसमें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट अभी मैंने आपको बताया था कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अभी फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये ग्लास है और ये एयर है तो अगर लाइट ग्लास से एयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। फिर और लाइट का हमने जो है इंटरनल जो इंसिडेंट एंगल है बढ़ा दिया तो वो थोड़ा और दूर हो जाएगी, फिर हमने और एंगल बढ़ाया तो और दूर हो जाएगी। ऐसे ऐसे करते करते एक एंगल ऐसा आएगा, थोड़ा इसको साफ बना देता हूं मैं, ठीक है? तो एक एंगल ऐसा आता है कि जब ये एकदम जो है वो नॉर्मल से 90 डिग्री का हो जाता है। तो जब ये नॉर्मल से 90 डिग्री का होता है तो जिस इंसिडेंट एंगल पे ऐसे हो रहा है उस इंसिडेंट एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ क्रिटिकल या फिर क्रांतिक को। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई एंगल, मतलब जो इंसिडेंट रे है उसे क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया, तो अगर उसने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया है तो वो जो लाइट है वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कहती है कि लाइट जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए
और दूसरी कंडीशन कहती है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। आईसी का मतलब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो लाइट उसी मीडियम में वापस लौट आती है, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है? जरा एक बार कमेंट कर दो अगर क्लियर हो गया। मैं बहुत जल्दी फास्ट फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आगे एमसीक्यू भी करवाना है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? चलो एग्जाम्पल कौन कौन से है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है रेगिस्तान में आपको मिराज दिखाई देगा। अब ये मिराज क्या होता है? मिराज होता है कि जब आप गर्मी के दिनों में सड़क पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दूरी पर, काफी दूर पर जो है वो पानी भरा हुआ है। तो अगर आपको सड़क पे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है तो वो किसके कारण है? मिराज के कारण है। हिंदी में कहते हैं मृग तृष्णा, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डायमंड जो चमकता है वो भी किसके कारण है? टीआईआर के कारण है, है ना? डायमंड चमकता है क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। तो जब लाइट अंदर तो चली जाती है लेकिन जब वो वापस आने लगती है तो उसी में वो ट्रैप हो जाती है और वो डायमंड के अंदर ही फंसी रह जाती है, जिसके कारण डायमंड चमकने लगता है। तीसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर, जो टीआईआर पर वर्क करती है, इन्हीं से इंटरनेट चलता है, ब्रॉडबैंड चलता है। तो इनके अंदर भी इसी तरीके से बनाई जाती है कि भाई अंदर का जो पार्ट है थोड़ा डेंसर रहे और जो बाहर का पार्ट है वो कम डेंसर रहे, जिससे लाइट अंदर ही ट्रैप हो जाए, बाहर ना निकल पाए। तो वो जो लाइट होती है वही फ्रीक्वेंसी को कैरी करती है। और लास्ट है ये एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है? ये जो ऑप्टिकल फाइबर के तार हैं पतले पतले, ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, इन्हें बॉडी के अंदर कैमरे के साथ में डाल दिया जाता है ताकि कैमरे से बॉडी के अंदर की जो कंडीशन हो उसे हम देख पाए। अब जैसे अल्सर हो गया आपकी बॉडी के अंदर, अगर अल्सर हो गया पेट के अंदर, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े छाले हो गए, पता कैसे चलेगा डॉक्टर को कि आपको अल्सर है? तो उसका साधारण सा एग्जाम्पल यही है कि वो कैमरे के साथ में इसको भेजेगा। अब इसको भेजने की क्या जरूरत है? अकेला कैमरा क्यों नहीं भेज सकते भाई? बॉडी के अंदर आपका एकदम अंधेरा होगा तो कहीं ना कहीं रोशनी चाहिए। 100 वाट का बल्ब आप डाल नहीं सकते, तो कोई ना कोई ऐसी चीज आपको डालनी है जिसमें करंट ना हो। तो एक ही तरीका है कि आप ऑप्टिकल फाइबर डाल दो। समझ में आ गया, इसे हम कहते हैं एंडोस्कोपी। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो कि टीआईआर से वर्क करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अब ये लेंस को लेके है। लेंस की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक ऐसा लेंस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। और एक ऐसा होता है, ये कौन सा लेंस है? ये है कॉनकेव। ठीक है, तो दो लेंस होते हैं, एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से ऐसा कौन सा लेंस है जो रेस को कन्वर्ज करता है? कन्वर्जिंग लेंस का कार्य क्या होता है? तो कन्वर्जिंग लेंस का कार्य होता है कि जब भी लाइट की रेज उससे पास करेंगी, वो सारी की सारी लाइट को फोकस पे जो है वो सेंटर्ड कर देगा, फोकस पे मिला देगा। ये फोकस है। तो ऐसे लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस होता कौन सा है? कन्वेक्स होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप ऐसे समझ सकते हैं पिक्चर के थ्रू। ठीक है, ये दो फिगर्स हैं, इनमें आपको प्रॉपरली दिखाई देगा कि ये जो है वो दो लेंस हैं, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। ये जो लेंस है इसे हम कन्वर्जिंग कहते हैं जो कि कॉन्वेक्स है। ये जो लेंस है इसे हम डाइवर्जिंग कहते हैं जो कि कॉनकेव। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि हमारे आई के अंदर जो हमारी आंखें हैं उनमें कौन सा लेंस होता है, तो राइट आंसर होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुलबुला होता है वो किस लेंस की तरह कार्य करता है? बुलबुला का मतलब समझ रहे हैं ना, जो ब्लड के जो अगर अगर पानी का जो बुलबुला निकलता है वो किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मान लीजिए वाटर है और इसके अंदर ये लेंस कोई बन गया है, ये बुलबुला है। तो अंदर की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे एयर है और ये जो लेंस है वो कौन सा है? कॉनकेव है। तो बुलबुला जो होता है वो कॉनकेव लेंस की तरह कार्य करता है, जो बबल होता है वो कॉनकेव लेंस की तरह कार्य। ठीक है, चलिए हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और एमसीक्यू को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने की दशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? 2017 सीजीएल का क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या बनेगा, बताइए। अब देखो, अगर आपने मान लीजिए पहले की थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तब भी आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, लगभग 25 क्वेश्चन हैं जिनसे पूरा लाइट चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये 25 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो भाई वो क्या कह रहा है कि अगर लाइट
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कौन सी होगा, तो उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। और अगर लाइट एक मीडियम से आने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाए तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया, राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाए, दो मिरर हैं, एक मिरर को हमने ऐसे रखा है, दूसरा मिरर है, इस मिरर को हमने ऐसे रखा है, तो कह रहा है कि अगर इसके बीच में कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसके कुल कितने इमेज बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, बताओ फटाफट। और कमेंट जरा थोड़ा तेज कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो, मैं खुद भी कर देता हूं, आप लोग भी कर दीजिए। बताइए क्या आंसर बनेगा फटाफट। हाँ शेयर कर दिया, ओके राइट, सही आंसर है। देखो दो मिरर के बीच का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन थीटा माइनस वन। अब अगर दोनों पैरेलल हैं तो ये थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, राइट आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which instrument is used to measure the intensity of light produced by unknown source in terms of standard source? अब वो कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो intensity of light को measure करती है? Intensity of light को measure करने वाली unit का नाम क्या है? तो भाई lumen है। आपने देखा होगा कि जो CFL bulb आते हैं वो अलग अलग lumen के आते हैं, जितना ज्यादा उनकी power होती जाती है उतना ज्यादा lumen का वो जो CFL bulb होता जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, कैलिपर से हम क्या करते हैं, रेडियस मापने का कार्य करते हैं, ठीक है। मीटर से हम लेंथ मापते हैं, डायनेमोमीटर अलग चीज होती है, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। राइट आंसर कौन सा हो गया, पहला आंसर सही बन जाएगा, फोटोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, बहुत बढ़िया। थोड़ा इसके लिए थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, एक आई का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है वो आई है और इस आई में एक जो पार्ट होता है दैट इज प्यूपल। प्यूपल क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कितनी लाइट एंटर होगी हमारे जो है वो आई के अंदर। एक और पार्ट होता है आयरिस। आयरिस क्या करती हैं, ये ऊपर की तरफ बनी होती हैं, जैसे अगर हम धूप से अगर हम जाएंगे, मतलब जब हम धूप में होते हैं तो आयरिस काफी सिकुड़ जाते हैं ताकि कम लाइट एंटर करे, ठीक है। और जब हम जो है छाए में रहते हैं तो आयस जो है वो ऊपर की तरफ खुल जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर रहे और हमें प्रॉपरली दिखाते रहे। तो प्यूपल और आयरिस मिलकर ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, आयरिस जो है प्यूपल बनेगा, तीसरा आंसर सही है, 2018 क्वेश्चन है, ठीक है। रेटिना नहीं होता है, रेटिना पर्दे का कार्य करता है। देखो मैं बता देता हूँ, रेटिना क्या है, ये पर्दा होता है जिसपे इमेज बनती है, ठीक है। प्यूपल और आयरिस मिलकर ये कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग, ठीक है। और कॉर्निया क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी ट्रांसप्लांट होती है आई तो क्या डोनेट किया जाता है, तो आपको बताना है कॉर्निया डोनेट किया जाता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे किस प्रकार के होते हैं, CPO क्वेश्चन है 2008 का। तो जब भी आप 3D मूवीज देखते हैं तो उसमें एक फेनोमेना होता है जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं, और उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के चश्मे बनाए जाते हैं, वो किसके होते हैं, बाइफोकल होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, फिर पोलराइड होते हैं, बताओ क्या आंसर होगा। बाइफोकल गलत है रूपाली, ओके बाइफोकल नहीं होगा। प्रत्यूष ने सही आंसर दिया है, ओके प्रत्यूष ने सही आंसर दिया है, पोलराइड इज द राइट आंसर। पोलराइड होते हैं,
जो 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 मिरर होते हैं ये इस तरीके से बने होते हैं, और इनमें क्या होता है कि अलग अलग जो है वो उसके बनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग फ्रेम्स के बनाए जाते हैं ताकि अलग अलग इमेज क्रिएट हो। बाईफोकल लेंस इस तरीके का होता है जो वो लोग यूज करते हैं जिनकी पास की जो नजर है वो भी खराब होती है, दूर की जो नजर है वो भी खराब होती है, तो ऐसे लोग बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कौन लगाते हैं? जिनकी जो है पास की नजर खराब होती है वो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, और जिनकी दूर की नजर खराब होती है वो कॉनकेव लेंस लगाते हैं। मेरी दूर की नजर खराब है, मेरा जो जो पॉइंट है वो नेगेटिव में है, तो मैं दूर की यूज करता हूँ। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि लेंस का जो पावर होता है वो मेजर किया जाता है एक यूनिट से, जिसे हम कहते हैं डायप्टर। डायप्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, 1/f होता है अगर मेजर करना है आपको मीटर में, और सेंटीमीटर मेजर करना है तो 100/f हो जाता है अगर वो सेंटीमीटर मेजर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह लेंस जो किरणें एकत्र करता है उसे क्या कहते हैं? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, उसे हम कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? देखिए, जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो वो हमारे आंखों पर कुछ टाइम ड्यूरेशन तक मौजूद रहती है। कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो चीज महसूस जो है मौजूद रहती है वो हमें यहाँ पर बताना रहता है। देखो क्या होता है कि जब मूवी मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने जाते हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग फ्रेम होते हैं, और इन फ्रेम को इतना तेजी से चलाया जाता है कि कम से कम वो उस जो बैरियर उसको पार कर ले जितने देर तक वो चीज जो है हमारे दिमाग में महसूस रहे, मतलब मौजूद रहेगी। और जब बहुत सारे फ्रेम को एक साथ चला दिया जाता है तो वो चीज जो है वो एक लाइव पिक्चर बन जाती है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि रेटिना पर जो प्रभाव है वो कितने देर तक रहता है? 1/16 सेकेंड तक। और अगर 1/16 सेकेंड से पहले अगर कोई इमेज ला दी जाएगी तो वो रेटिना को लगेगा कि वो लाइव पिक्चर चल रही है, वो कोई इमेज नहीं है बल्कि कोई लाइव पिक्चर चल रही है। ठीक है, तो मूवीज में इसका उपयोग किया जाता है। हर फ्रेम को 1/16 के पहले हटा दिया जाता है या फ्रेम को 1/16 पर सेकेंड के हिसाब से चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है? कल के क्लास में मैंने बताया था, आज के क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बताइए क्या बनेगा? रूपाली कह रही बी आंसर होगा, प्रत्युष कह रहा है बी आंसर होगा। देखो मैं बता देता हूं कि अगर मैं सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करूं तो ये स्कैटरिंग के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण है? स्कैटरिंग के कारण है। और ये जो है बिकॉज एट द टाइम ऑफ सम इमिट्स ओनली रेड कलर, ये गलत हो जाएगा। स्कैटरिंग ड्यू टू द हाई वेवलेंथ, तो राइट इज मोर, बी आंसर सही हो जाएगा इसका। सभी ने आंसर सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, मैंने आपको बताया था कि देखो कलर हमें दिखाई देता है किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण। अगर हमें आसमान नीला दिखाई दे रहा है, अगर हमें स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है तो क्यों ब्लू दिखाई दे रहा है? क्योंकि आसमान में स्कैटरिंग में ब्लू कलर निकल के आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर वहां पर कोई एटमोसफियर ही ना हो तो स्कैटरिंग नहीं होगी। स्कैटरिंग नहीं होगी तो कोई भी कलर वहां पर इमिट नहीं होगा, और जब कोई भी कलर मौजूद नहीं होता है तो एक ही कलर बनता है, और वो कौन सा है? ब्लैक। राइट आंसर क्या बन जाएगा? ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? अब आपको बताना है कि जब भी किसी प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट पास होगी तो सबसे ज्यादा कलर डेविएट कौन सा होगा? ये भी मैंने कल की क्लास में आपको प्रॉपरली बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, तो सबसे जो है कलर कौन सा जो है वो डिविएट करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो पैटर्न बनता है बिबक्योर। क्या पैटर्न बनता है? बिबक्योर। अब देखो सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है रेड, और सबसे नीचे क्या होता है? वायलेट। और अगर लाइट इस तरीके से आ रही है तो जो सबसे ऊपर वाला कलर होगा वो सबसे कम डिविएट होगा, और सबसे नीचे वाला जो कलर होगा वो सबसे ज्यादा डिविएट होगा। तो सबसे ज्यादा डिविएट कौन सा होता है? वायलेट। और सबसे कम डिविएट कौन सा होता है? रेड। राइट आंसर हो जाएगा डी। मोस्टली लोगों ने आंसर सही दिया है डी 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 डी। हेलो प्रिंस, कैसे हैं? वेलकम इन क्लास।
इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, वो कह रहा है कि भाई इंद्रधनुष आपको बताना है किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष बहुत सारे फेनोमेना से बनता है। सबसे पहला फेनोमेना है रिफ्रैक्शन से बनता है। दूसरा फेनोमेना क्या है, TIR से बनता है। तीसरा फेनोमेना क्या है, स्कैटरिंग से बनता है। बहुत सारे फेनोमेना को मिलाकर जो है रिफ्रैक्शन बनता है। अब चूंकि इस यहां पे TIR का जिक्र नहीं है तो हमें केवल दो ही चीजें सर्च करनी है, एक तो रिफ्रैक्शन और दूसरा क्या है स्कैटरिंग। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, बी आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सावन की बुलबुले पर श्वेत प्रकाश पड़ने से रंग दिखाई देते हैं। देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी बवाल अगर आप बना हुआ, एक मिनट, कभी कभी अगर आप बबल बनाइए तो अगर कोई कोई मान लीजिए साबुन है और जब भी इस पर लाइट पड़ती है तो बहुत सारे कलर्स इस पर दिखाई देते हैं। तो ये जो बहुत सारे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसके कारण है, इंग्लिश पढ़िएगा ज्यादा प्रॉपरली समझ में आएगा। डिफ्रेक्शन गलत है, पोलराइजेशन गलत है, इंटरफेरेंस एकदम सही आंसर है, रिफ्लेक्शन गलत है। इंटरफेरेंस के कारण ही ये चीज दिखाई देती है। इंटरफेरेंस का एक और एग्जाम्पल बता देता हूं, पहले सीढ़ी चलती थी है ना, और इन सीढ़ियों में अगर आप ऊपर से देखोगे तो बहुत सारे कलर दिखाई देते थे। तो कलर क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो इसी के कारण दिखाई दे रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, गर्मी यार बहुत है, जल्दी से सर्दियां वगैरह आ जाए। मेरा जो फेवरेट जो सीजन है वो सर्दियां ही है। गर्मी मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती है, एक तो बहुत सारा पसीना भी आता है और दूसरा ये नया नया मैंने सेटअप किया है तो भी एसी वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत गर्मी लगती है भाई। पोलराइजेशन गलत है, प्राचीन आंसर सही दिया था स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर जो है वो उनका मुख्य उद्देश्य मतलब वो किस पे वर्क करते हैं, द पर्पज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, बताइए। रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर, कहेंगे ये कार्य होता है। स्प्लिटिंग लाइट इनटू कंपोनेंट कलर, ये कार्य होता है। रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, ये कार्य होता है। या फिर ट्रांसमिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। तो देखो अगर मैं कहूं कि प्रकाशीय ऑप्टिकल फाइबर का पर्पज क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर का पर्पज ढूंढने के लिए जाओ यहां पर किसमें, इंटरनेट पर। इंटरनेट पे अगर अलग अलग टाइप का जो है वो ब्रॉडबैंड जा रहा है वो तो कैसे जा रहा है, अलग अलग कलर के ट्रांसमिशन से ही जा रहा होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर बन सकता है वो क्या बन सकता है, वो डी आंसर सही बन सकता है। ये सबसे पहले आंसर दिया है रूपाली ने, आंसर सही दिया है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ट्रांसमिशन करता है, किसका ट्रांसमिशन करता है, अलग अलग वेवलेंथ का ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, और अलग अलग जो है डिफरेंट कलर का ट्रांसमिशन करता है, उन्हीं कलर्स को बाद में जाके डिटेक्ट किया जाता है और फिर जो है उनसे स्पीड ली जाती है। डी आंसर होगा। ठीक है, ओके। MTS 2019 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं। अब आपको यह बताना है कि जो मिराज होता है वो किसके कारण बनता है। अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और अगर आपको वहां पर पानी दिखाई देता है, सड़क पर ऐसा महसूस हो रहा है कि पानी पड़ा हुआ है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो जो है वो एक तरीके से एक स्पेसिफिक घटना के एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं TIR। और एक और चीज मैंने बताई है TIR का, एक और बहुत मेडिकल में इसका उपयोग किया जाता है जिसको कहते हैं एंडोस्कोपी। तो अगर बॉडी के अंदर के पार्ट को अगर आपको डिटेक्ट करना है तो आप एंडोस्कोपी करेंगे। ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी TIR का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, और आपको बताना है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट अकर व्हेन लाइट। मैंने आपको बताया था कि TIR की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। क्या स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि लाइट जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम से कहां जाना चाहिए, रेरर मीडियम में। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि द एंगल ऑफ क्रिटिकल शुड बी ऑलवेज शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो क्रांतिक कोण है वो आयतित कोण से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण वो कोण होता है जिस पर परावर्तित कोण या अपवर्तित कोण कितने डिग्री का हो जाए, एंगल आर कितने का हो जाए, 90 डिग्री का।
तो कहने का मतलब ये है कि अब आप देख लो कि इनमें पहली जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। अगर पानी से कांच में जाएगा तो ये हमेशा रेयरर से डेंसर में जा रहा नहीं हो सकता। अगर कांच से पानी में जाएगा तो ये आंसर सही है ना, हो सकता है। वो कह रहा नहीं हो सकता, पहले ही आंसर होगा। पानी से होकर वायु में जा रहा है तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, ये भी हो सकता है। कांच से होकर वायु में जा रहा है, ये भी हो सकता है। पहला नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं। नहीं पूछा है, जरा ध्यान से देखो दिव्या और पाली, ध्यान से देखो, पूछा गया नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं बता चुका हूं कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, लोअर पीसेस में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन भी हो चुका है। ओके, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है। तो एक अगर आपका स्विमिंग पूल है, बड़ी सी पानी की टंकी है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है मान लो 8 फीट है। आप यहां पे खड़े हुए हैं, आप जब देख रहे हो तो ये आपको कम गहरी दिखाई दे रही है, 4 फीट दिखाई दे रही है, या मान लीजिए 2 फीट ही गहरी दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या किया, जंप लगा दिया। जंप लगाने के बाद आपको पता चला कि भाई टंकी तो बहुत गहरी थी, हम तो डूब रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब आप किसी वस्तु को ऊपर से देखते हैं तो वो चीज आपको कम गहरी दिखाई देती है एक फेनोमेना के कारण, जिस फेनोमेना का नाम है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या नाम है? रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है भाई सभी को? यस, बिकॉज ऑफ द रिफ्रेक्शन, सही लिख रहे हैं प्राची ने, सही लिखा है। दोपहर में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, शाम को पता नहीं बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएनटी डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं, ईएनटी का मतलब क्या है, ईयर नोज थ्रोट, नाक कान गले के जो डॉक्टर हैं, वो देखने के लिए एनालिसिस के लिए कुछ स्पेसिफिक मिरर का उपयोग करते हैं। और ये मिरर किसके बने होते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये मिरर बने होते हैं कॉनकेव मिरर के। ठीक है, तो ये मिरर क्या है, कॉनकेव का बना होता है, आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स का क्या है, जो साइड मिरर होता है गाड़ी का वो कॉन्वेक्स का होता है। इसी तरीके से जो जो चौराहे होते हैं वहां पे जो मिरर लगाया जाता है वो भी कॉन्वेक्स होता है। प्लेन मिरर घरों में उपयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हजामत मतलब शेविंग जो मिरर होते हैं वो कैसे होते हैं? अब आप शेविंग मिरर घरों वाला नहीं है, अगर आप किसी बड़े स्टूडियो में जाएंगे, बड़े स्टूडियो का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बड़ा जो जहां पे मेकअप कराने जाते हैं, तो आपका चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो जब वो चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देता है तो पूछा कि कौन सा मिरर है वहां पे। पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि अगर आपको अपनी शक्ल सीधी दिखाई देती है तो वो जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है, और अगर आपको अपनी जो शक्ल है वो उल्टी दिखाई देती है जैसे कि चम्मच, तो मिरर जो है वो कॉनकेव है। अब आप खुद ही देख लो कि जब मेकअप कराने जाते हो तो आपको अपनी शक्ल मेकअप मिरर में बड़ी दिखती है लेकिन वो सीधी दिखाई देती है, मतलब मिरर जो है वो कॉन्वेक्स। याद रहेगा सभी को, दिव्या कॉनकेव नहीं होगा, कॉनवेक्स होगा। ठीक है दिव्या, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन से कलर होते हैं? इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, जब आपके घरों में कोई न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर पर 3 अलग अलग कलर छपे होते हैं। ठीक है, आपके घरों में जो प्रिंटर आता है उस प्रिंटर में भी लिखा होता है RGB और 3 कलर बने होते हैं। ये भी याद रहेगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा और समझो, जब भी आप टीवी लेने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है RGB की रेटिंग के, भाई कितने मिलियन इसमें कलर्स हैं, वो भी किस पे डिपेंड होता है, RGB पर। अब ये RGB होता क्या है, तो R से है रेड, G से है ग्रीन और B से है ब्लू, मतलब रेड ग्रीन और ब्लू जो है वो फोटोग्राफी के लिए प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रेड ब्लू और ग्रीन, सी आंसर सही है।
हाँ सही दिया इस बार दिव्या ने। चलो ये कोई सिंह साहब आ चुके हैं लाइव, ये भी बता रहे हैं सी आंसर होगा सही। आकाश और समुद्र की नीलिमा नापने के लिए प्रयुक्त होने वाली आपको डिवाइस बतानी है। अब देखो होता है क्या है कि कभी कभी आपको ये देखना होता है कि भाई कलर क्या है स्काई का, उसे ये पता लगता है कि प्रदूषण कितना है। ठीक है, क्या पता लगता है कि प्रदूषण कितना, जैसे अभी अब गर्मियां चल रही हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर अभी आप आसमान की तरफ देखेंगे तो बहुत ज्यादा नीला आपको आसमान दिखाई देगा, लेकिन अगर आप सर्दियों में देखोगे तो पूरा काला हो जाता है आसमान। क्यों काला हो जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है। हाँ प्राची सही दिया आंसर, सी आंसर सही है। तो बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है, प्रदूषण को मापने का एक पीपीएम इंडिकेटर भी होता है ना, पर पार्टिकुलेट मैटर इसको कहते हैं, जो कि दो पे मापा जाता है, एक तो 10 होता है, एक 2.5 होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कितना जो है आसमान नीला है, इसके लिए एक डिवाइस यूज की जाती है। अब देखो इसका इसको सॉल्व करने का तरीका है, बैरोमीटर हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रेशर मापता है, सोनोग्राफी हो नहीं सकती क्योंकि ये जो है वो अर्थक्वेक मापता है, बैथीमीटर क्या होता है ये मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, बैथीमीटर से शायद समुद्र की गहराई मापी जाती है, जहां तक मुझे याद हो रहा है समुद्र की गहराई मापी जाती है, और काइनोमीटर जो होता है उससे हम नीलिमा मापते हैं, मतलब कलर स्काई का मापा जाता है, या किसी भी चीज का जो कलर है वो मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइनोमीटर। बहुत बढ़िया, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपको बताना है कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया है, और इन्होंने एक इफेक्ट की खोज की थी जिसे कहा जाता है रमन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? रमन इफेक्ट। बताओ जरा क्या आंसर बनेगा। सर पृथ्वी कह रहे सर इसको आईआईटी कानपुर ने डिवाइस बनाया है। अच्छा साइनोमीटर आईआईटी कानपुर ने बनाया है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। बिल्कुल सही लिखा है, सबसे पहले आंसर सी आया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यही सी वी रमन इफेक्ट होता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि आसमान नीला होता है सुबह और शाम। जो अगर हमें आसमान जो है सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? सी वी जो है वो रमन इफेक्ट के कारण। जब जो है वो करवा चौथ होता है तो महिलाएं जो है अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए मतलब जो है व्रत करती हैं, और शाम को जब वो चांद देखती हैं तो चांद लाल दिखाई देता है, कि वो गुस्से में रहता है कि भाई हम जो लाल नहीं है, हम ये रमन इफेक्ट के कारण मैं लाल दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन वो लाल जो दिखाई दे रहा है वो भी इसी के कारण होता है। इसी तरह अलग अलग टाइम पे अगर आपको चांद लाल दिखाई दे रहा है वो भी किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये मैंने आपको बताया है और बहुत प्रॉपरली बताया है। जैसे मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है, तो सूर्य से लेके अर्थ तक प्रकाश आता है, ठीक है, इसी तरह सूर्य से लेके मून तक प्रकाश आता है और मून से टकरा के वापस अर्थ तक जाता है। तो मून से लेके अर्थ तक प्रकाश को पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगते हैं। कितना सेकेंड लगते हैं? 1.3 सेकेंड लगते हैं। लेकिन सूर्य से लेके अर्थ तक आने में कितना समय लगता है? 8.4 और 8.3 सेकेंड लगता है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला हो जाएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। मैं प्रॉपरली बता देता हूं आपको, ये 8 मिनट और लगभग 16 सेकेंड या 12 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कैलिडोस्कोप में होती है? पिछले क्लास में मैंने प्रॉपरली कैलिडोस्कोप बताया है, बचपन में एक प्रोजेक्ट था, साइंस का प्रोजेक्ट, मैंने उस टाइम पे एक ऐसी डिवाइस बनाई थी, ये इसमें ये तीनों मिरर लगे हुए हैं, घरों में यूज वाले मिरर लगे हुए हैं, इसके अंदर चूड़ियां भर देते हैं और यहाँ पे देखने के लिए खोल रहता है। तो जब मैं यहां से देखता हूं, जब मैं यहां से इसको देखूंगा तो मुझे इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न दिखाई देंगे जो साड़ियों में यूज होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कैलिडोस्कोप कहते हैं। अब एक बात समझो आपके, कैलिडोस्कोप में प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है, और प्लेन मिरर में कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता, रिफ्रेक्शन नहीं हो सकता,
या तो रिफ्लेक्शन होगा या डिफ्रेक्शन होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अलग अलग मीडियम में जाने के लिए है, इसमें भी दूसरे मीडियम में चला जाता है, इसमें भी दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका बन जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी आंसर इसका सही है। बाकी सभी ने आंसर गलत दिया है। कैलेडोस्कोप में रिफ्लेक्शन होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये तीन मिरर हैं, तो जब भी आप यहाँ पे कोई चीज रखोगे तो पहले ये इस पे जाएगा, फिर टकरा के इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो ये इस तरीके से इसकी इमेज दिखाई देगी आपको। अगर आप इसके अंदर एक छोटा सा सर्किल डाल दोगे तो ये सर्किल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। दिस इज कैलेडोस्कोप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले लेजर का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सबसे पहले लेजर का आविष्कार किसने किया है। जो यहां पे एक व्यक्ति है, फ्रेड मॉरिसन। फ्रेड मॉरिसन एक म्यूजिशियन थे। ये जो फिगर है ये एक्चुअली में उस साइंटिस्ट का है जिसने लेजर का आविष्कार किया है, और लेजर का आविष्कार किया था किसने? थियोडोर मेमन ने। किसने? थियोडोर मेमन ने। एक और व्यक्ति है डब्ल्यू एफ रोटेंगन। डब्ल्यू एफ रोटेंगन ने आविष्कार किया है एक्सरे मशीन का और एक्सरे टेक्नोलॉजी का। जो एक्सरे किरणें हैं उनका आविष्कार किया है डब्ल्यू एफ रोटेंगन ने, या उसकी खोज की है डब्ल्यू एफ रोटेंगन ने, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा? सी आंसर सही है। बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, मैं जो हूं मेरी टी शर्ट जो है वो ग्रीन क्यों दिखाई दे रही है, या फिर जो है ब्लू क्यों दिखाई दे रही है। ये भी मैंने बहुत ही डिटेलिंग में इस चीज को समझाया है कि कोई भी चीज आपको ब्लैक व्हाइट ब्लू क्यों दिखाई देती है। यस, राइट आंसर सबसे पहले दिया है आंसर रूपाली ने, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला आंसर आया है रूपाली का, एकदम सही आंसर है। ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर कोई चीज सारे कलर को रिफ्लेक्ट करेगी तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? वाइट दिखाई देगा। इसीलिए गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसीलिए सर्दियों में वाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि व्हाइट कपड़ा कुछ भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है और ब्लैक कपड़ा सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर आप चूल्हे के नीचे की जो, जैसे बचपन में मैंने देखा था इस तरीके से हमारे जो है गांव में इस तरीके से तवा होता था, और ये जो तवा पूरा ब्लैक रहता था। अब ये ब्लैक क्यों रहता था तब मुझे साइंस नहीं पता थी, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लैक इसलिए रहता है क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब कर सके, इसे बनाया जाता था ब्लैक। ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं मछुआरा वाला आई थिंक, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है ये एसएससी सीजीएल 2019 का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ब्रेन स्ट्रूमिंग, जो किसी बच्चे से नहीं हुआ था, किसी को नहीं पता इस घटना के बारे में, इवन बहुत ही कम बुक्स में, लगभग मैं कहूं तो 5% बुक्स में ही इस फेनोमेना के बारे में बात की गई है। तो ये एकदम यूनिक क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था। एक और मुझे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं ये कहूं, ये आपने देखा है इस तरीके के इग्लू होते थे, याद आ रहा है? तो ये जो इग्लू है ये बर्फ के बने होते थे। ये जो है वो किसके बने हैं? बर्फ के बने हैं। तो जब ये बर्फ के बने होते थे लेकिन इसके अंदर गर्मी रहती है और बना बर्फ का है, तो ऐसा क्या रीजन है कि इसके अंदर गर्मी है और ये बर्फ का बना हुआ है? दो क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फेनोमेना इन विच माउंटेन टॉप एक्वायर अ रोजी और ऑरेंज कलर ह्यू अराउंड द सनराइज एंड सनसेट। मतलब जो माउंटेन होता है, ये जो इस तरीके का माउंटेन है, ये इसका जो ऐसा जो ये जो टॉप होता है ये कैसा कलर हो जाता है? ये हल्का सा ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो आपको इस घटना के बारे में बताना है कि एल्फिन ग्लो क्या होता है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एल्फिन ग्लो क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्लास होगी साउंड की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो फिजिक्स के कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ,
आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, पहला साउंड इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हीट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो है वो एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो टॉपिक है वो है इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेडियो एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप उनकी टेंशन मत लो, हमने टेंशन ले रखी है, आप केवल लाइव सेशन करिए और मैंने पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन उठा के यहाँ पे रख देने हैं, सारे क्वेश्चन के साथ में थ्योरी भी बता दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास जो है 2 होनी है, एक 12 बजे क्लास होगी जिसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और साथ में करंट अफेयर, ये तीनों चीजें कवर करूंगा 12 बजे वाली क्लास में, और शाम को जो 5 बजे वाली क्लास होगी इसमें टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस को और थ्योरी को मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो दोनों क्लासेस के मैंने टाइमिंग बता दी है आपको, आप जो है लाइव रहिएगा, जब क्लास खत्म होने का टाइम आया तब बच्चे आने स्टार्ट हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने जो है वो साइंस के जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो सारे बता दिए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इस घटना के बारे में जो यहाँ पर लिखी हुई है, क्या घटना है, एल्पेन ग्लो क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आज के लिए इतना ही, इतना बहुत है, थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल, बने रहिए। नॉलेज 365 एक तरीके का चैनल है अनअकैडमी का, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरा कोड जरूर याद रखिएगा अगर आप प्लस के कोर्सेज लेना चाहते हैं, कोड क्या है, योगेंद्र, YOGENDRA। आप हमें प्लस पे भी खोज सकते हैं, मिल जाऊंगा मैं प्लस पे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पढ़ाई को लेकर सिंसियर हो तो मेरा पर्सनल कहना यही है कि आप जो है वो प्लस के कोर्सेज जरूर ले लें, क्योंकि वहां पर बहुत सारे टीचर मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के, फीस एक ही देनी है और बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल, देखते रहिए और बने रहिए नॉलेज 365 यूट्यूब चैनल।